माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि बायोगैस संयंत्र और दूरदराज इलाके में लगेंगे तो इससे चार चीज़ों को लाभ मिलेगा। रसोई में बहनों को, माताओं को खाना बनाने में, और जो यूरिया फर्टिलाइजर जो किसान खेत में देते हैं उससे उर्वरक शक्ति कम होती है, इसके खाद भी बनता है, इससे उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और फसल भी अच्छी होगी और फसल का मुनाफा भी अच्छा, पैदावार का कीमत भी अच्छी मिलेगी, इससे रोशनी का भी होगा। तो मैं माननीय मंत्री मोदी महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि 2022 में माननीय प्रधानमंत्री का किसानों को आय डबल करने का जो निर्णय लिया है तो इससे संयंत्र को और दूर दराज क्षेत्रों में लगाएंगे तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी, और इसमें अगर क्लस्टर बनाकर किसान बायो संयंत्र गैस योजना लगाते हैं तो उससे उनको इनकम भी होगी और इस युवाओं को भी, अगर युवाओं को जोड़ा जाता है तो युवाओं को भी लाभ मिलेगा। माननीय सदस्य महोदय ने बिल्कुल सही बात कहा है। ये बायोगैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए और ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना है। हम लोगों ने इसके लिए इस साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और 76,000 बायोगैस संयंत्र लगाने का हम लोग का योजना है। इस बार अगर प्रगति अच्छी रही तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे भी। पिछले 5 वर्षों में माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 2,84,765 बायोगैस संयंत्र लगाया है। प्रगति और हम करना चाहते हैं और हम करेंगे। माननीय सदस्य 182